यमुनानगर के रादौर में आवर्धन नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक के फोन से निकले वीडियो से मामले में नया मोड़ आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। मृतक युवक के पिता की शिकायत पर खजूरी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीती 2 अक्टूबर को रादौर के गांव खजूरी के पास आवर्धन नहर में कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल मृतक युवक के परिजनों ने जब आमिर का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें आमिर ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उसने अपनी मौत के लिए खुजरी निवासी एक व्यक्ति पर उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद परिजन इंसाफ की मांग को लेकर आज थाना जटलाना में पहुंचे और पूरी घटना की एक शिकायत पुलिस को सौंपी। मृतक युवक के एक रिश्तेदार सुल्तान ने बताया कि बीती 2 अक्टूबर को आमिर ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जब उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी मौत के लिए खजूरी गांव के ही एक व्यक्ति से 2500 रुपए लेने और उसे पैसे ना देने पर परेशान करने व धमकी देने जैसी बातें उस वीडियो में रिकॉर्ड की थी। आज यह वीडियो लेकर वह थाना जठलाना में इंसाफ के लिए पहुंची और वीडियो में जिस व्यक्ति का जिक्र मृतक आमिर कर रहा है उसके तहत आत्महत्या के लिए मजबूर करने को लेकर शिकायत दी है। वहीं इस बारे में थाना जटलाना प्रभारी धर्मपाल का कहना है कि मृतक युवक के पिता मुस्तकीन ने खजूरी निवासी पंडित पर उसके बेटे को धमकाने व आत्महत्या से उकसाने के आरोप लगाए हैं। शिकायत पर खजूरी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 306 में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक आमिर के पिता मुस्तकीम की शिकायत पर खजूरी निवासी एक पिता के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। जो ये वारदात हुई है 2 तारीख को शाम को, जो इसने खुदकुशी की है नहर में कूद करके, उसका कारण हमें इसके मोबाइल से पता लगा है कि इसका मोबाइल, जब उसकी डेड बॉडी वगैरह मिलने के बाद हमने संस्कार किया, उसके मोबाइल को छानबीन की गई, उसमें हमें एक वीडियो मिली है जिसमें उसने बोला हुआ है कि खजूरी का कोई पंडित है जिसके पास उसने काम किया था और उससे पैसे मांगने के लिए गया था, जिसमें इसने बोला है कि उसने मेरे को पैसे देने 2500 रुपये की बात की है लेकिन वो दिए नहीं है और उसको कोई धमकी दी है और उसको दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से उसने साफ साफ बोला है कि मैं इसकी वजह से आज आत्महत्या कर रहा हूँ। और उस मोबाइल की, उस वीडियो के आधार पर ही हमने इसकी शिकायत जटलाना थाना जो SHO साहब हैं उनकी नॉलेज में दे दी है। हमने अपनी दरख्वास्त भी दे दी है और हम चाहते हैं कि हमें पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिले और इसकी छानबीन पूरी अच्छी तरीके से हो। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका पूरा न्याय हमें मिले। ये 2 तारीख को हमारे को एक सूचना मिली थी कि खजूरी नहर पुल पे तीगरा गांव का एक आमिर खान नाम का लड़का डूब गया है। तो हमने तलाश की थी, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। उस दिन उसके पिताजी ने बयान लिखवाया था कि वो हाथ धोते हुए स्लिप होकर नहर में गिर गया था। 5 तारीख को उसकी डेड बॉडी ठस्का हेड से मिली थी, जिसका हमने पोस्टमार्टम करा दिया था और परिवार वालों को उसकी बॉडी सौंप दी थी, जिसका उन्होंने संस्कार कर दिया था। अब परिवार वालों को उसका मोबाइल मिला है और मोबाइल में एक वीडियो मिली है भाई, जिसमें उसने कोई खजूरी का पंडित नाम का आदमी है उसके ऊपर आरोप लगाया है भाई, उससे उसने खाद डालने की एवज में 2500 रुपये लेने थे जो उसने पैसे नहीं दिए और उसको उल्टा धमका दिया, जिस कारण से उस लड़के ने सुसाइड किया। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।